बॉलीवुड की धक धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित 15 मई को अपना 12वां जन्मदिन मना रही हैं। तो आइए आज आपको बताते हैं माधुरी दीक्षित की जिंदगी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा कि बॉलीवुड में अपनी हस्ती बनाने वाली धक धक गर्ल का सपना क्या था। असल में माधुरी के मम्मी पापा अपनी बेटी को बचपन से ही डॉक्टर बनाने की चाह रखते थे, लेकिन माधुरी दीक्षित के मन में कुछ और ही था। आपको बता दें, जब वे केवल 3 साल की थी तब से उन्होंने डांस सीखना शुरू कर दिया था, लेकिन 8 साल की उम्र के बाद उन्होंने क्लासिकल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। वो उनका पहला बड़ा परफॉर्मेंस था। माधुरी के मुताबिक वे जब टीन एज में थी तभी उन्होंने बॉलीवुड में एक्टिंग का शौक पाल लिया था, साथ ही डांस के प्रति उनका लगाव भी काफी ज्यादा था। और ये तो आप सभी जानते हैं कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से पाने की चाह लें तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ माधुरी दीक्षित के साथ। और माधुरी ने अबोध फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि उनकी पहली सुपरहिट फिल्म तेजाब रही, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया था। बॉलीवुड और टेलीविजन की लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉलीवुड मिरर और बेल आइकन को दबाना मत।